हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल जेके पेपर्स तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमने जो टेंथ के लिए साइंस का सैम्पल पेपर अपलोड किया था उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि उन सब का आंसर सब बता दीजिए सो हमने इसके लिए अब सेपरेट वीडियो बनाया है जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें थे उन सभी का आंसर हम इस वीडियो में बताएंगे आप इस वीडियो को एंड तक देखना अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना सबसे पहले यहाँ पर है सेक्शन ए इसमें पहला क्वेश्चन है नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एन एल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसका जो आंसर है वो है कन के मिरर उसके बाद यहाँ पर है फोर्थ क्वेश्चन जो कि है द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाई एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस दिस इज ड्यू टू तो इसके जो ऑप्शन है वो है प्रेसबाओपियाडेशन नियर साइटेडनेस फार साइटेडनेस इसका जो आंसर है वो एकोमोडेशन है क्योंकि जो सीलियरी मसलस हमारी आई में होते हैं वही एक ऑब्जेक्ट को हमें फोकस करने में मदद करते हैं उसी प्रोसेस को हम एकोमोडेशन कहते हैं सेवंथ क्वेश्चन यहाँ पर है बर्निंग ऑफ कोल इज इस ए इसके ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नन ऑफ द एबो इसका जो आंसर है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि उसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं जो कि फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पर है ओर माइनड फ्राम द अर्थ आर यूजअली कंटेमनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज सच एज सॉयल सैंड एट्सट्रा कार्ड ऑप्शनज है मिनरल मिक्सचर्स गैंग नन ऑफ द एबो इसका जो करेक्ट आंसर है वो गैंग है अलवेंथ क्वेश्चन यहाँ पर है इन ए फूड चेन देयर इज ऑप्शन है बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी जिगजैग फ्लो ऑफ एनर्जी मल्टी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ट्वेल्थ क्वेश्चन यहाँ पर है इंडोल एसिटिक एसिड इज ए नेचुरली आकरिंग इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑक्सीजन थर्टीथ क्वेश्चन यहाँ पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाजेशन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंटी एसिड उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है इन आर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू वायरस इज इसका जो करेक्ट आंसर है वो टू ट्वेंटी वोल्ट है उसके बाद अगला क्वेश्चन है द अर्थ वायर यूज एज ए सेफ्टी मेजर हैज द इंसुलेशन ऑफ ऑप्शन इज ग्रीन कलर रेड कलर ब्लैक कलर पिंक कलर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रीन कलर उसके बाद तीसरा पार्ट यहाँ पर है इट प्रिवेंट डैमेज टू अपलियंसिस एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग इसका जो करेक्ट आंसर है वो फ्यूज़ है इसी का फोर्थ पार्ट है डिफरेंट एप्लींस कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस द लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स ईच हैज सेपरेट स्विच टू ऑन ऑफ द करंट फलोइंग थ्रू इट इन ऑर्डर दैट ईच एप्लायंस हैज़ इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस दे आर कनेक्टेड इन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इन पार्लल फिफ्थ पार्ट इसका है इन आवर हाउसेज वी रिसीव ए इलेक्ट्रिक पावर विद फ्रीक्वेंसी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिफ्टी हर्टस अब यहां पर केमिस्ट्री के एम सी क्यूज है जिसमें से पहला क्वेश्चन है मॉडर्न पीरियडिक लॉ लावाज प्रपोज बाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैनरी मोसले इसका दूसरा क्वेश्चन यहां पर है द मॉडर्न पीरियडिक टेबल हैज डैश वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स एंड डैश हॉर्जेंटल रोज नोन एज पीरियड्स इसका करेक्ट आंसर एटीन सेवन है एटीन यहां पर ग्रुप्स होते हैं और सेवन पीरियड्स तीसरा क्वेश्चन यहां पर है द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इसका जो आंसर है वो है आउटर मोस्ट शेल फोर्थ पार्ट यहां पर है व्हाट टू एटॉमिक रेडियस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉग ए पीरियड इसके ऑप्शन है इंक्रीज डिक्रिमेज सेम नॉन ऑफ द अबो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिक्रीज अगला क्वेश्चन यहां पर है द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इसका आंसर थर्टी सेवन पीकोमीटर्स है अगला क्वेश्चन यहां पर है द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज इसका आंसर सेवन है अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वेन पी एच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन डैश इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन इसका जो आंसर है वो 5.6 है जब रेन वाटर का पी एच से नीचे जाता है उसे हम एसिड रेन कहते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सीटिंग हेयर ऑफ नीटल लिवज इंजेक्ट डैश एसिड काजिंग बर्निंग पेन इसका जो आंसर है वो मेथेनॉइक एसिड है अगला क्वेश्चन यहाँ पर है साल्ट ऑफ स्ट्रॉ एसिड एंड ए स्ट्रॉस ऑप्शन एसिडिक न्यूट्रल आल ऑफ द एबो इसका जो आंसर है वो न्यूट्रल है उसके बाद फिफ्थ पार्ट यहाँ पर है विच एमंग इज यूज एज इंडिकेटर टू डिस्टिंग्विश एसिडस एंड बेसिस इसके ऑप्शन है लिटमस रेड कैबेज लीव टर्मरिक आल ऑफ द एबो इसका जो आंसर है वो आल ऑफ द एबो है क्योंकि ये तीनों हम यूज करते हैं एसिड्स और बेसिस को डिस्टिंग्विश करने के लिए उसके बाद यहाँ पर है बायोलॉजी के एम जिसमें से पहला क्वेश्चन है द टर्म इको सिस्टम वाज इंट्रोड्यूसड बाई इसके ऑप्शन है मिलर हेल्डेन इसका जो करेक्ट आंसर है वो टेन्सले है क्योंकि ए जी टेनस्ल ने ही टर्म इकोसिस्टम इंट्रोड्यूस की उसके बाद अगला क्वेश्चन है नेचर्स क्लीनर्स आर ऑप्शन है प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स डिकम्पोजर्स कार्निवर्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो डिकम्पोजर्स है अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ई सेटअप और लेवल ऑफ फूड चेन फार्म है इसके ऑप्शन है सब लेवल बेसिक लेवल ट्राफिक लेवल नन ऑफ द एबो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वह लेवल है फोर्थ पार्ट इसका है दर्बियोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट विच लेवल ऑफ द फूड चेन इसके ऑप्शन है फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल थर्ड लेवल फोर्थ लेवल इसका जो आंसर है वो है सेकंड लेवल लास्ट एम सी क्यू यहां पर है एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट एट ई स्ट रीच इज दंज्यूमर्स इज ऑप्शनज है ट्वेंटी परसेंट फिफ्टीन परसेंट टेन परसेंट एट परसेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो टेन परसेंट है सो so ये इस पेपर का लास्ट टाइम था होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना